पंजाब में किसानों ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया है। दरअसल अमृतसर के जंडियाला गुरु के रेलवे ट्रैक पर किसानों के एक संगठन किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्यों ने धरना शुरू कर दिया और गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस को आगे जाने से रोक दिया है। इसी के चलते मुंबई से आने वाली इस ट्रेन को ब्यास रेलवे स्टेशन पर ही रोकना पड़ गया, जहां कुछ यात्री स्टेशन से उतरकर सड़क के रास्ते ही अपने अपने घरों की तरफ चल दिए, तो वहीं कुछ यात्रियों को प्रशासन की तरफ से गंतव्य स्टेशन तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में करीब 430 यात्री सवार थे। गौरतलब है कि इससे पहले बीते 22 नवंबर को किसानों के साथ बैठक के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि 23 नवंबर की रात से किसान यूनियन ने 15 दिन के लिए रेल रुकावटों को खत्म करने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से पंजाब के लिए रेल सेवाओं को फिर शुरू करने की अपील भी की। ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਈਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਰੀਕਨਸਿਡਰ ਕਰੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਛਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।